Hello everyone, I am Dr. Vishal Redu, Assistant Professor of English, Government College, Alewa, Jin. Our today's topic is The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्ट थ्री और तीन सीन इकट्ठे ही हम आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीन थ्री, सीन फोर और सीन फाइव. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीन थ्री. शाइलोक और एंटोनियो स्टेज पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. शाइलोक एस्कॉर्ट्स एंटोनियो टू प्रिजन. शाइलोक अब क्या चाह रहा है, क्योंकि दी हुई जो शर्त है और उस शर्त के अनुसार जो दिया हुआ समय था उसके अनुसार अब एंटोनियो अपना लोन अमाउंट वापस नहीं कर पा रहा है, तो अब शाइलोक चाहता है कि वो एंटोनियो को सबक सिखाए. वो एंटोनियो से अपना बदला लेना चाहता है. एंटोनियो ट्राइज टू पैसिफाई शाइलोक एंड प्लीड्स फॉर मर्सी. एंटोनियो किसी तरीके से शाइलोक को शांत करने की कोशिश करता है, दया की भीख मांगता है. बट शाइलोक रिमाइंड्स हिम दैट एंटोनियो यूज टू कॉल हिम डॉग. कि शाइलोक उसको एंटोनियो को याद दिलाता है कि किस प्रकार से एंटोनियो उसको कुत्ता कहकर पुकारता था. सो नाउ शाइलोक वॉन्ट्स टू टेक द रिवेंज ऑफ ऑल द मिसबिहेव डन टू हिम बाई एंटोनियो. अब शाइलोक क्या चाहता है कि वो एंटोनियो से अपने हर बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, क्योंकि अब उसके पास मौका है, वो बदला ले सकता. और इसके अलावा शाइलोक को ये भी याद आ जाता है कि किस प्रकार से एंटोनियो शाइलोक के जो डिफॉल्टर्स होते थे, जिनको वो लोन देता था, वो लोन जो वो चुका नहीं पाते थे, उन लोगों को बिना ब्याज के पैसे दे देता था. तो ये चीज भी शाइलोक को याद थी, उस चीज का भी वो उससे बदला लेना चाहता था. सेलरिनो ट्राइज टू काम डाउन एंटोनियो. कि उसके बाद सेलरिनो स्टेज पर आ जाता है और वो किसी तरीके से एंटोनियो को समझाने की कोशिश करता है, उसको शांत करने की कोशिश करता है. और क्या बताता है, दैट ड्यूक वॉन्ट अलाउ द एग्जीक्यूशन. कि जो ड्यूक है वेनिस के, जिन्होंने न्याय करना है, कि वो इस सजा के लिए कभी भी इजाजत नहीं देंगे. एंटोनियो इज ओनली वेटिंग फॉर फ्रेंड बेसानियोस अराइवल. आखिर में केवल एंटोनियो किस चीज का इंतजार कर रहा है, कि जो उसका बेस्ट फ्रेंड है बेसानियो, जो कि बेलमोंट में है, उसके वापिस आने का इंतजार कर रहा है, बहुत दुखी है. द सीन इज इंपॉर्टेंट एज बॉन्ड एंड एग्जीक्यूशन इज डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एंगल. ये जो सीन था ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है और उसकी जो शर्तें हैं वो सारी शर्तें इस सीन के अंदर बताई जाती हैं. एंड द एग्जीक्यूशन इज डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एंगल. और हर तरह से जो सजा है और जो बॉन्ड है, जो उसकी शर्तें हैं, उनको इस सीन के अंदर डिस्कस किया गया है. इसलिए ये सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसके बाद हम चलते हैं सीन फोर पर. सीन नंबर फोर के अंदर पोर्शिया, लोरेंजो और नरिसा, जो कि बेलमोंट सिटी में है, कि वो दिखाई दे रहे हैं, वो स्टेज के ऊपर है, तीनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. तभी लोरेंजो पोर्शिया को बेसानियो और एंटोनियो की जो ट्रू फ्रेंडशिप है उसके बारे में पूरी कहानी सुनाता है और उसको बताता है. आफ्टर बीइंग कन्विंस्ड, पोर्शिया इंस्ट्रक्ट लोरेंजो एंड जेसिका टू लुक आफ्टर हर एस्टेट. कि जब पोर्शिया को ये एहसास हो जाता है, जब वो सहमत हो जाती है कि बेसानियो और एंटोनियो वो बहुत ही सच्चे मित्र हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं, तब वो निर्णय लेती है, निर्देश देती है लोरेंजो और जेसिका को कि वो दोनों उसके राज्य की देखभाल करें. और उनको बताती है दैट शी एंड नरिसा आर गोइंग टू चर्च फॉर प्रेयर टिल हर हस्बैंड रिटर्न. कि वो और नरिसा कि वो चर्च में जा रहे हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, इससे पहले कि उसका हस्बैंड वापिस लौटे. तब तक लोरेंजो और जेसिका उसके राज्य की देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे. पोर्शिया सेंड्स बाल्थाजार टू पेडवा. बाल्थाजार जो कि पोर्शिया का नौकर है, पोर्शिया उसको पेडवा भेजती है टू ब्रिंग सम लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड क्लोथिंग फ्रॉम बेलारियो हर कजन. कि वहां पर उसका कजन है,
डॉक्टर बेलारियो कि उसके यहां से बाल्थाजार को कुछ कानूनी कागजात और कुछ कपड़े लेकर आने थे, इसलिए वो जो है बाल्थाजार को पेडुआ भेजती है डॉक्टर बेलारियो के पास। देन सी टेल्स नेरिसा, उसके बाद वो नेरिसा से बातचीत करती है दैट दे विल पोजेस मेल अटायर एंड वुड गो टू वेनिस टू सी बेसानियो देयर इन डिस्गाइज। अपनी पूरी योजना उसको बताती है नेरिसा को कि उसने अपने कजन के यहां से कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स और कपड़े मंगवाए हैं और नेरिसा और पोर्शिया दोनों आदमी के कपड़े जो है वो पहनेंगे एंड वुड गो टू वेनिस और वेनिस शहर में वो जाएंगे टू सी बेसानियो देयर इन डिस्गाइज और भेष बदलकर लड़के का वेश धारण करके वेनिस सिटी में जाकर वो बैसानियो से मिलेंगे। और ऐसा वो क्यों कह रही है, क्योंकि वो वहां पर जाकर बैसानियो का जो मित्र है एंटोनियो उसको बचाना चाहते हैं। द सीन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंड्स एंड केयर ऑफ ए वाइफ टुवर्ड हर हस्बैंड। ये पूरा सीन हमें यह समझने में मदद करता है कि किस प्रकार से दो मित्रों में कितनी गहरी मित्रता है, कितनी ट्रू फ्रेंडशिप है और किस प्रकार से एक पत्नी अपने पति के लिए कितनी चिंता जो है वो उठाती है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। उसके बाद आता है हमारा सीन नंबर 5। द सीन ओपन्स विद लॉन्सिलॉट एंड जेसिका ऑन द स्टेज। कि जैसे ही दृश्य शुरू होता है स्टेज के ऊपर लॉन्सिलॉट और जेसिका है एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं, डिस्कसिंग अबाउट इफ जेसिका विल बी सेव्ड नाउ एज शी इज ए क्रिश्चियन नाउ। उसके ऊपर टॉन्ट कसता है, व्यंग्य करता है, उसका मजाक उड़ाता है और मजाक मजाक में क्या कहता है कि जेसिका अब तुम बच जाओगे निश्चित तौर पे। क्यों? क्योंकि तुम अब एक जू नहीं रही हो, तुमने अपना धर्म बदल लिया है क्योंकि तुम एक क्रिश्चियन बन गई हो। ही ऑल्सो टीजीज हर बाई सेइंग दैट द सीन्स ऑफ हर फादर विल अफेक्ट हर ए लॉट। लेकिन इसके साथ साथ फिर भी उसको समझाता है और छेड़ता है और क्या कहता है कि तुम्हारे पिताजी के जो अपराध हैं कि उससे तुम्हारे जीवन पर फिर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। देन लोरेंजो अराइव्स। जैसे ही वो दोनों बातचीत कर रहे हैं लोरेंजो वहां पर आ जाता है एंड आस्क लॉन्सिलॉट टू प्रिपेयर डिनर एंड सर्व। और आकर लॉन्सिलॉट से कहता है कि तुम शीघ्र जो है रसोई में जाओ, डिनर तैयार करो और हमें खाना खिलाओ। लोरेंजो आस्क जेसिका अबाउट हर ओपिनियन टुवर्ड्स पोर्शिया। कि लोरेंजो फिर अपनी पत्नी जेसिका से पूछना चाहता है कि पोर्शिया के बारे में उसके क्या विचार हैं। पोर्शिया टेल्स हिम दैट पोर्शिया इज ए मैचलेस पर्सन। कि जेसिका जो है उसको यह बताती है कि पोर्शिया जो है वास्तव में बहुत ही अच्छी इंसान है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। लोरेंजो आल्सो टीज हर वाइफ एंड द सीन एंड्स विद ए कॉमिक रिलीफ। पूरा जो ये सीन है सीन नंबर 5, इट इज फुल ऑफ कॉमिक सिचुएशंस एंड लोरेंजो आल्सो टीजीज हर वाइफ। लोरेंजो भी अपनी वाइफ के ऊपर टॉन्ट कसता है, उसको छेड़ता है एंड द सीन एंड्स विद ए कॉमिक रिलीफ। और एक मजाकिया राहत के साथ उस दृश्य का अंत हो जाता है, एंड हो जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।